हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाद घर सा। मैं पूनम और आज मैं बनाने वाली हूँ बाजरे का पराठा, साथ ही हरी चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पुदीने और हरी धनिया की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी है, तो आप इस पराठे की रेसिपी को पूरा देखें। आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दें। तो चलिए टेस्टी हरी धनिया पुदीने की चटनी और बाजरे से बना पराठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल और उसमें हम डालेंगे बाजरे का आटा। तो कप से ये 2 कप है और ग्राम से 250 ग्राम हमने बाजरे का आटा लिया है। और 1 कप हम लेंगे ये ज्वार है, ज्वार का आटा है, इससे हमारा पराठा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। ज्वार का आटा आपको मिलता है तो ज़रूर ऐड करें आप। और अभी हम इसमें मिलाएंगे ये है कच्चा केला। तो 3 कच्चे केले को हमने उबाल लिया था। 3 कच्चे केले को अच्छी तरीके से धोने के बाद हमने कुकर में डाला और 1 गिलास पानी डाल के 1 सीटी आने तक केले को पका लें और गैस बंद कर दें। जब ठंडा हो जाए तो आप उसके छिलके को निकाल लें और इस तरीके से मैश कर लें या तो पीस लें। तो हम इसमें डालेंगे कच्चे केले का पेस्ट, अगर आपको कच्चा केला मिले तो ज़रूर मिलाएं। और अभी हम इसमें डालेंगे यह 3 से 4 हरी मिर्ची का पेस्ट, तीखा अपने टेस्ट के अनुसार डालें। 1 इंच अदरक का पेस्ट डालेंगे और अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल। हरी धनिया डालेंगे 1 से 2 चम्मच बारीक काट करके डालें। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। और ये है गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला। और ये है अजवाइन, तो हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन को क्रश करके ही डालें। अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है तो आप ज़रूर ऐड करें बाजरे के पराठे में। और इसमें हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच तेल और सबको अच्छी तरीके से हाथों से मिला लेंगे। दोनों हाथों से अच्छी तरीके से सारे मसालों को आटे में मिला लें इस तरीके से। पूरी तरीके से मिलाने के बाद ही आप इसमें पानी डालें, जितनी ज़रूरत हो पानी की उतनी डालें। ये देखिए हमारा आटा अच्छी तरीके से मिल चुका है मसालों में। और ये हमने लिया है 200 ml पानी, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें और आटे को गूंध लें। तो थोड़ा पानी हमने इसमें बचा लिया है, तो दोनों हाथ से आटे को गूंधे और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएं। तो अभी हमने जो थोड़ा बचा के रखा था पानी उसे भी ऐड कर देंगे, उसे भी मिला देंगे और आटे को हमने गूंध लिया है। तो जितनी आपको पानी की ज़रूरत हो आटे गूंधने में तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को गूंध लें। और हमारा आटा गूंध करके तैयार है, तो अभी हम इसे रख देते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1 चम्मच आप ऊपर तेल डाल दें आटे के ऊपर इस तरीके से और चारों तरफ से उसे लगा दें। और अभी हम इसे रख देंगे 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। बाजरे के पराठे के जो डो होता है आटे का उसे बहुत ज़्यादा गीला ना करें, तो हम ढक करके रख देते हैं 30 मिनट के लिए। और इधर हम बनाएंगे चटनी। तो पुदीना हमने लिया है 100 ग्राम और 100 ग्राम हमने लिया है हरी धनिया। दोनों को अच्छी तरीके से धो लें और दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए। और अभी हम इसमें मिलाएंगे हरी मिर्च, मैंने 5 ली है, तीखा अपने स्वाद अनुसार ही डालें। और ये है भुनी हुई चने की दाल 1 चम्मच और इसमें हम डालेंगे अभी नींबू का रस, 2 चम्मच हमने नींबू का रस डाला है। और ये है नमक, काला नमक है, स्वाद अनुसार नमक डालें। तो काला नमक हमने डाल दिया है और अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, 5 से 10 चम्मच आप पानी डालें और इसे पीस लें। और ये देखिए तैयार है हमारी पुदीने और हरे धनिया की स्वादिष्ट चटपटी चटनी। बहुत ही स्वादिष्ट चटनी हमारी बनकर के तैयार है, आप इसे हफ्ते भर स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए 30 मिनट पूरे हो चुके हैं, आटे को एक बार अच्छी तरीके से गूंद लें। और अभी हम इसकी लोई बनाएंगे, तो हम थोड़ा बड़ी लोई बनाएंगे, 2 से 3 रोटी के बराबर हम लोई बनाएंगे। थोड़ा मोटा ही रहता है ये बाजरे का पराठा। और इधर हमने लिया है सूखा आटा, तो लोई को हम थोड़ा सा इसमें डीप करेंगे और सूखे आटे लगा लेंगे। आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या बाजरे का आटा, जो भी मिले आप ले लें। और इसे हल्के हाथों से हम बेलेंगे, बेलने से पहले बेलन में थोड़ा हम तेल लगा लेंगे। तो इस तरीके से बेलन में तेल लगा लें और हल्के हाथों से आप इस तरीके से घुमा घुमा करके बेल लें। अगर आपका शेप नहीं बनता है पराठे का तो कोई बात नहीं, आप इसे बेल लें। और अगर आपके पास कोई भी टिफ़िन या इस तरीके से कुछ भी ढक्कन हो तो आप जितना हो सके बेल लें। उसके बाद इस तरीके से दबा करके
आप काट ले तो बहुत ही गोल शेप हमारा पराठे का बन जाता है इस तरीके से, ये देखिए। तो अभी हमने गैस ऑन कर दिया है और तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो तवे पे हम पराठे को रख देंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखिए, एक मिनट के बाद ही पलटे, और एक मिनट पूरे हो चुके हैं और एक तरफ से हमारा पराठा अच्छी तरीके से सिक गया है, तो उधर भी हमें एक मिनट तक ही पकाना है। या आप पलट करके देख लें, इधर भी इस तरीके से अच्छे तरीके से पक चुका है पराठा। तो अभी हम इसमें तेल लगाएंगे, आप तेल, घी या बटर आपके पास जो भी हो आप लगा दें पराठे में, जो भी खाना पसंद करते हो। तो इस तरीके से हम पूरे पराठे पे तेल लगा देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम स्लो पे ही रखें, बहुत गैस की फ्लेम को तेज ना करें, और हल्की आंच पे ही हम पकाएंगे पराठे को। और इधर भी एक मिनट पूरे हो चुके हैं, देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है, इधर भी हम तेल लगा देंगे। तो हमने लिया है ऑलिव ऑयल तेल, आपके पास जो भी वेजिटेबल ऑयल हो, या आप राई के तेल में भी बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी है। बाजरे के पराठे को दोनों तरफ से पलट पलट के अच्छे तरीके से दबाते हुए सेक लें, सुनहरा और कुरकुरा होने तक अच्छी तरह से आप इसे सेक लें। गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखें, बहुत ज़्यादा तेज ना करें, और तभी आपका पराठा बहुत ही स्वादिष्ट और अंदर तक अच्छी तरीके से पकेगा। गैस की तेज करके आप बनाएंगे तो आपका पराठा उतना स्वादिष्ट नहीं बनेगा और ना ही अच्छे तरीके से पकेगा। तो मीडियम गैस की फ्लेम पे इस तरीके से दबाते हुए, अच्छे से प्रेस करते हुए पराठे को दोनों तरफ से सेक लें, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है पराठे का। तो बस हमारा बाजरे का पराठा बन करके तैयार है। आप इसे हरी चटनी के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बिना सब्जी के भी आप इसे खा सकते हैं। बाजरे के पराठे को आप गरम गरम सर्व करें, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो हम इसी तरीके से सारे बाजरे के पराठे को बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने दूसरा बाजरे का पराठा बना लिया है, दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक जाने के बाद ही आप तेल या घी लगाएं, और इस तरीके से दबाते हुए कुरकुरा, सुनहरा, गोल्डन होने तक पराठे को बना लें, और बस हमारा पराठा बन करके तैयार है। आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें। ये देखिए बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी है हरी चटनी की, और ये है हमारा बाजरे का पराठा। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपको मेरे बाजरे के पराठे की रेसिपी और हरी चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, खाएं और खिलाएं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।